तो जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम कैसा एडिट आप लोग को बताने वाले हैं, और यहाँ पे भी आप लोग देख ही रहे हो। तो आज का एडिटिंग स्पेशल 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे फोटो एडिटिंग आज हम बताने वाले हैं आप लोग को कुछ इस तरह से। हमारा ओरिजिनल फोटो कैसा था आप लोगों ने देख ही लिया, और आज हम आप लोग को बताने वाले बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट तरीका से कैसे काट सकते हो, और बैकग्राउंड में जो दीवार पे हमने मतलब तिरंगा लगाया है वो कैसे लगाया है, कैसे इतना अच्छा एडजस्ट किया है, तो आप लोग को इस वीडियो से सीखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो कम्प्लीट देखना, और मैं बता दूं अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिट लेके आता रहता हूं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाते हैं, और इस तरह का फोटो एडिट करने के लिए हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप लोग अपना ओपन कर लीजिएगा, और आप लोग को यहाँ पे नीचे प्लस का आइकन दिया गया तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर एडिट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो गैलरी से हमारा जितना भी फोटो होगा तो वो फोटो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देख सकते हो जैसा कि बैकग्राउंड ये रहा और ओरिजिनल फोटो हमारा ये रहा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, तो सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, और यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरह से है, एकदम फोटो के जैसा फोटो है हमारा उसी मतलब उसी हिसाब से है बैकग्राउंड। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा मॉडल यानी अपना फोटो को ऐड कर लेना है। ठीक है भाई, आप किसी भी तरह का फोटो को मतलब एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड बस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस फोटो को ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे रिमूव बीजी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डाटा ऑन रहना चाहिए, और यहाँ पे भी आप लोग को रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा बैकग्राउंड कट के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उतना प्रोफेशनली तरीका से तो नहीं आएगा, और इसको प्रोफेशनली तरीका से कैसे बताना है ये भी आप लोग को अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे हमारा देख सकते हो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा कटा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हार्डनेस को कर देंगे 100। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 100 कर दिया, और साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जूम कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड में मतलब थोड़ी ख़राब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से कट के नहीं दिया है, तो इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है भाई, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बाल साइड में ऊपर में वाइट वाइट सा छोड़ दिया है जो फोटो में था, और यदि कट करते टाइम यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो रीस्टोर और ऊपर अंडो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसको फिर से वापस ला सकते। तो चलिए हम यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसको अच्छे ठीक से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रोसेस में आप लोग को ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी कि 2 मिनट या फिर 3 मिनट अगर अच्छे तरह से प्रोफेशनल तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो। चलिए तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और ख़राब पार्ट को अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद देख सकते हो फोटो हमारा कितना अच्छा दिखने लगा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको डन करेंगे। ठीक है, एक ही बार आप लोग को डन करना है, तो एक बार डन करेंगे, और डन करने के बाद आप लोग कहीं पे मतलब जूम कर लीजिएगा, और अपने फोटो को जितना मतलब जिस साइड में एडजस्ट करना है उस साइड में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर शैडोज वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली शैडोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोटो का छा आ जाएगा। ठीक है, छा से क्या होता है कि फोटो हमारा एकदम ओरिजिनल टाइप का लगेगा, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट लेंगे, ज़्यादा छा नहीं रखना है, तो यहाँ पे हल्का हल्का माइनस कर देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से आप लोग को यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 कलर ऐड करेंगे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे केसरिया और वाइट कलर और ग्रीन कलर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर को हमने यानी केसरिया कलर को हमने ले लिया है, और उसके बाद आप लोग को फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ग्रीन और रेड को ले लेंगे। ठीक है भाई, सॉरी ग्रीन और वाइट को ले लेंगे यानी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्रीन और व्हाइट को ऐड कर लेते। ठीक है भाई, तो इसको ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद आप लोग को एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेते हैं इसको एकदम, आप लोग को इस प्रोसेस में भी हल्का टाइम लग सकता है, जैसे कि आधा मिनट। ठीक है भाई, 30 सेकेंड, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, कैसे एडजस्ट करना है एकदम जैसे हमारा तिरंगा होता है उस तरह से अपने पूरे फोटो के ऊपर ही एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं एकदम अपने तिरंगा जैसे। ठीक है, तो
यहाँ पे इसको एकदम अच्छे तरह से मिला लेंगे। उसके बाद आप लोग को ग्रीन कलर को ले लेना है, और ग्रीन कलर को लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन है तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे डार्केन कर देना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रीन को ही डार्केन करेंगे, जैसे कि ये रहा डार्केन का ऑप्शन। और उसके बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं जो बताता हूँ वो आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को मूव डाउन कर देना है। ठीक है, तो मूव डाउन कर देंगे एकदम, दो तीन बार क्लिक कीजिएगा तो हमारा जो मॉडल होगा, जो ओरिजिनल फोटो, उसके पीछे यानी दीवार पे चला जाएगा। ठीक है, तो सभी कलर को हम यहाँ पे मूव डाउन कर देंगे तो ऐसा होगा कि हमारा जो फोटो, जो इसको ऐड किया था अपना फोटो को, वो फोटो आगे आ जाएगा और तिरंगा हमारा जो होगा वो चला जाएगा दीवार साइड में, मतलब दीवार पे चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डन कर देना है, और डन करने के बाद देख सकते हो फोटो कितना मज़ेदार तरीका से। और यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ की कमी खल रही है, वो शैडोज को, क्योंकि फोटो में शैडोज लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोग शैडोज कहाँ से लाना है चलिए आप लोग को बता दे, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को स्टिकर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और ऊपर आप लोग को सर्च बॉक्स मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है शैडोज। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने शैडोज पहले से सर्च किया है, तो सिंपली ये रहा शैडोज, तो इसको हम सिंपली शैडोज यहाँ पे सर्च कर देंगे। ठीक है, और सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा शैडोज पीएनजी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ये सब भूत भूत वाले शैडोज नहीं लेना है, आप लोग को ये वाला शैडोज लेना है। ठीक है, तो इस शैडोज को कैसे एडजस्ट करना है, तो सिंपली ऐड करेंगे शैडोज वाले पीएनजी को, और इसको थोड़ा जूम आउट करके यानी छोटा करके इसको अपने जूते के नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि फोटो हमारा रियल में इसी जगह पे क्लिक कराया गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है अपने फोटो में, जो भी फोटो आप एडिट करते हो फुल, उसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को सिंपली डन कर देना, और डन करने के बाद जितना काम किया रहेगा वो हमारे फोटो पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक पीएनजी ऐड करने वाला है, जैसे कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे वाले पीएनजी एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे एकदम अच्छे तरह से। तो सिंपली इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे एकदम प्यार से इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली डन कर देना। ठीक है, उसके बाद अभी भी इसमें एक काम बाकी है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली इस फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, तो फोटो हमारा एकदम बेहतरीन क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अपने गैलरी में चले जाएगा। उसके बाद ऑल फोटो में हमारा फोटो जो अभी सेव किए रहिएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो को शेयर कर देंगे ऑटोडिस स्केच बुक के अंदर। ठीक है, तो ऑटोडिस स्केच बुक में हम क्या करने वाले हैं, जो हम बाल को कट करते हैं ना, किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड चेंज करते हैं और बाल को जो कट करते हैं, वहाँ पे पता चलता रहता है कि डुप्लीकेट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इस फोटो को ऐड कर लिए हैं, और ऐड करने के बाद जो हम मतलब कि हमारा बाल वाला एरिया होगा उसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, यानी बाल को एकदम अच्छे तरह से बना लेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, ब्रश वाले आइकन पे जाना है, और ब्रश वाले आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को स्मूथ में से ये वाला ब्रश ले लेना है। उसके बाद आप लोग को इसका सेटिंग दिखाया जाता हो, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और साइज को आप लोग को ज़्यादा नहीं रखना है, आप लोग को साइज को 2% ही रखना है, और फ्लो को 100 कर दीजिएगा, स्ट्रेंथ को भी 100 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को सिंपली ये नीचे कट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो कट कर दीजिएगा। उसके बाद फोटो को अपने बाल वाला एरिया को जूम कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ख़राब टाइप का लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, जहाँ पे देखिए यह बाल को वाइट लग रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से अपने हाथ को घिसते हुए ऊपर की ओर इसको चलाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम मिट जाएगा, और ऐसा पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड हमारा चेंज किया गया है, फोटो ओरिजिनल लगेगा एकदम नेचुरल की तरह। ऐसा लगेगा कि इसी बैकग्राउंड पे हमारा, हम जो फोटो खिंचाया है इसी बैकग्राउंड पे जाके खिंचाया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, हल्का हल्का बना लेंगे ताकि पता ना चले कि बाल हमारा कटा हुआ है, यानी बैकग्राउंड हमारा कटा हुआ है। तो इसको भी हम जो वाइट दिख रहा है इसको एकदम अच्छे तरह से ढक देते हैं। ठीक है, और ये ढकने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है एकदम अच्छे तरह से। तो फाइनली हमारा एडिट का काम हो चुका है एकदम कंप्लीट, और देख सकते हो फोटो का क्वालिटी हमारा कितना बेस्ट है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन वाले ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये रहा गैलरी का ऑप्शन, और इस पर क्लिक करने के बाद सेव करंट स्केच कर दीजिएगा, तो फोटो हमारा गैलरी में एकदम बेहतरीन क्वालिटी में सेव हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे फोटो एडिट हमारा हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट, और इस फोटो को एडिट करने के लिए ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगने वाला है, और ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं था। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फोटो एडिट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।